जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महामास्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेक जीजन मोहित होते हैं और भविष्य के मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुरथी ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रतापूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहते हैं, ये सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने भी जिसका चित्त संसार की ओर वितरित हो चुका था, भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार से आसक्ति को नष्ट करने देने वाला ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वमणि मनु के नाम से पृथ्वी पर विख्यात प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगो है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी ने कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उससे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रिय में श्रेष्ठ हुए राजा सुरथी भगवान सूर्यदेव के जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मनु के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय समाप्त। बोलिए देवी मैया की जय।